नमस्कार, आप देख रहे हैं अखाड़ा। आपके साथ मैं हूं लक्ष्मी उपाध्याय। कहते हैं कि भीड़ की कोई शक्ल नहीं होती, उसका कोई धर्म नहीं होता, और इसी बात का फायदा हमेशा मॉब लिंचिंग करने वाली भीड़ उठाती है। पर सवाल ये कि इस भीड़ को इकट्ठा कौन करता है, उन्हें उकसाता कौन है, भड़काता कौन है, और इसके बाद की खामोशी आखिर क्या कहती है। जिस तरह मॉब लिंचिंग की घटनाएं सामने आ रही हैं, उससे डर इस बात का है कि अगर कानून हर हाथ का खिलौना हो जाएगा तो फिर पुलिस, अदालत और इंसाफ सिर्फ शब्द बनकर रह जाएंगे। एक आंकड़े के मुताबिक पिछले 4 सालों में करीब 134 बार मॉब लिंचिंग के मामले सामने आए। जिस तरह गाय के नाम पर हिंसा, बच्चा चोरी के शक में हिंसा, धार्मिक पुस्तक की बेअदबी की अफवाह पर हिंसा, जैसे तमाम मॉब लिंचिंग के मामले सामने आए, जिसमें भीड़ ज्यादातर लोगों की जान की दुश्मन बनी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया और गाइडलाइन जारी की, केंद्र सरकार से कानून बनाने को कहा। हालांकि ऐसा कोई कानून अभी तक मूर्त रूप नहीं ले सका, लेकिन मॉब लिंचिंग के मामले लगातार जारी हैं। ताजा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली से सामने आया, जहां भीड़ द्वारा भैंस चोरी के आरोप में एक शाहरुख नाम के युवक की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो बातें सामने आई, उससे साफ होता है कि युवक की बेरहमी से पिटाई हुई, किडनी और लिवर डैमेज हो जाने से उसकी मौत हो गई। सवाल यह है कि एक लोकतांत्रिक देश में आखिर भीड़ कानून अपने हाथ में लेने पर क्यों आमादा हो जाती है। तकनीक के इस युग में जोर पकड़ती अफवाहों के बीच हिंसक हो रहे इस तंत्र पर लगाम लगाना बेहद जरूरी है। बरेली में मॉब लिंचिंग की इस घटना के बाद कई बड़े सवाल खड़े हुए। आखिर क्यों किसी की जान लेने पर आमादा हो रही है भीड़। बड़ा सवाल कि क्या लोकतंत्र पर भीड़ तंत्र भारी पड़ रहा है, क्या भीड़ को हथियार के तौर पर किया जा रहा है इस्तेमाल। सवाल यह कि क्या लोकतंत्र को नुकसान पहुंचा रहा है बेकाबू हो चला भीड़ तंत्र। हिंसक हो रहे भीड़ तंत्र पर आखिर कानूनी नकेल कब कसी जाएगी, यानी मॉब लिंचिंग पर कानून कब बनेगा। और बड़ा सवाल कि आखिर कब तक चलेगा भीड़ तंत्र का गुंडा राज। आज अखाड़ा ऐसे तमाम बड़े सवालों पर खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। तो कैंट थाना जो गांव वाला ने अपना भैंस चोरी प्रयास किए, उन्होंने 379/511 में उन्होंने अटेम्प्ट चोरी के लिए प्रयास, उन्होंने गांव वाले ने FIR दर्ज कराया। और जो मृतक का भाई है, कुछ दो लोग का नाम जब, बाकी लोग गांव वाले के खिलाफ 15 अज्ञात लोग के खिलाफ उन्होंने 302 में FIR दर्ज कराया। क्या किसी को हिरासत में गिरफ्तारी हुई है? अभी पुलिस ने कुछ लोग हिरासत में लेके गांव वालों को पूछताछ कर रही है, और बाद में हम टीम भी गठित किया है, जो रात में जो जो आदमी गांव में वहां पे इस तरह घटना के उनके खिलाफ सख्ती से जल्दी कार्रवाई करेंगे। और इन लोगों को ये लड़के ले गए थे, माजिद और जिनका नाम है पप्पू, ये ले गए थे और इन्हें कुछ टैबलेट भी दी, इन्हें खिला दिए और गाँव में ले जाकर इनको पब्लिक ने भी मारा है, फिलहाल उन्हें भी मारा ये मुझे पता नहीं। जब सुबह मैं यहाँ पर आया हॉस्पिटल में तो ये होश में थे, इन्होंने मुझे सारी बातें बताई, फिर इनकी डेड हो गई है और पब्लिक ने मारा। ये लोग कहते हैं कि चोरी किए या पुलिस, मतलब ये कि भैंस चुराने गए थे, ये तो कोई मामला है भी नहीं, सब झूठ बोल रहे हैं। ये मारने के बाद में इंसान अपना बचाव जरूर करता, चोर के ऊपर तो इल्ज़ाम जरूरी लगाएगा कि ये चोर था, जब इंसान मर जाएगा तो उसके ऊपर तो इल्ज़ाम ही लगाएगा ना कि वो चोर था। तो प्रदेश सरकार का स्पष्ट मत है कि मॉब लिंचिंग के मामले जो जहाँ कहीं पर भी हो रहे हैं वो ना हो, इसके लिए सख्ती से मतलब कार्रवाई करने की हिदायत दी गई है। और आने वाले समय में हम इस प्रकार की घटनाओं को रोकने में सफल होंगे, क्योंकि ये 15 वर्षों से इतना माहौल ख़राब किया है सपा बसपा की सरकारों ने, उसको ठीक करने का काम हो रहा है, उसमें थोड़ा समय जरूर लगा है और काफ़ी हमने सुधार किया है, आगे सुधार देंगे। तमाम खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, सबका परिचय उसके बाद इस बड़ी डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। संजय राय प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी से, फैजान किदवई जी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से हमारे साथ हैं, जावेद अहमद प्रवक्ता हैं RLD से, थोड़ी देर में मानस श्रीवास्तव जी एसोसिएट एडिटर हमें ज्वाइन करेंगे, अंशु अवस्थी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ होंगे। बहुत स्वागत आप सभी का इस खास डिबेट में। संजय राय, मैं एक अहम आंकड़े के साथ आपसे सवाल पूछना चाहूंगी। पिछले 4 सालों में एक आंकड़ा बताता है कि 134 मॉब लिंचिंग के मामले सामने आए, 2015 तक 68 लोगों की जान 2015 से लेकर अब तक इसमें चली गई है। 2014 में सर 3 मामले, 15 में 12, 16 में 24 और 17 में 37, 18 के आंकड़े में अभी आपको मैंने बताए नहीं। सर, इतने मामले सामने आने के बाद, साल दर साल मॉब लिंचिंग की घटनाएं बढ़ने के बाद, नतीजा ये कि सुप्रीम कोर्ट ने भी 17 जुलाई को साफ कहा कि कानून बनाइए 4 हफ्ते के अंदर, लेकिन कानून तो नहीं बना, लेकिन मॉब लिंचिंग की घटनाएं सर नहीं रुक रही, जिम्मेदार कौन है इस सब के लिए? देखिए, कोई भी घटना हो, किसी भी तरह की, वो घटना अच्छी नहीं होती है। और जैसे कि अभी हमारे उप मुख्यमंत्री जी कह रहे थे,
आपने जो रिपोर्ट में दिखाया कि बहुत चीज़ें बहुत पुरानी बिगड़ी हुई हैं, लेकिन मैं एक दो बेसिक बात करूंगा और मेरा ये आग्रह रहेगा कि मैं बात करूंगा तो मेरी बात सुन ली जाए और जिन लोगों को उस पर सवाल जवाब है तो अपने नंबर पर ही बातचीत किया जाए बिना एक दूसरे को डिस्टर्ब किए। तो जो एक एक बड़ा अच्छी बात ये हुई है, मैं देखा हूँ कि जब से केंद्र में मोदी जी, हाँ जो भी घटना है वो गलत है, घटनाएं रुकनी चाहिए, लेकिन देश की आबादी बड़ी है, उस आबादी में घटनाएं छोटी मोटी हो रही हैं, लेकिन आप सुनिए मैम, आप सुनिए एक मिनट, आपने मुझे क्वेश्चन किया है, आपने पूरा एक लंबा चौड़ा प्रोमो बताया है, अब आप सुन लीजिए मेरे जवाब को सुनिए। तो वो ये है कि लेकिन इस देश में मोदी जी की सरकार बनने के बाद टर्मोलॉजी कई आई, जैसे अभी मॉब लिंचिंग का टर्मोलॉजी, इसके पहले बिहार चुनाव के पहले एक टर्मोलॉजी की देश में इनटॉलरेंस का माहौल है, उसमें क्या लिया गया कि कलबुर्गी पत्रकार की हत्या हुई थी, वहाँ कांग्रेस की सरकार थी कर्नाटक में और मोदी जी की प्रधानमंत्री बनने के पहले हुई थी, लेकिन सब जोड़ घटा दिया गया। और बड़ी बात है, मैं इन लोगों की शक्ति को मैं प्रणाम करूँगा कि जो इतने शक्तिशाली लोग हैं कि ये लोग जब चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट का भी ठीक उपयोग कर लेते हैं। ये लोग याकूब मेमन के मामले में रात में सुप्रीम कोर्ट खुलवा करके और फांसी के 4 घंटे पहले तक वहां बहस करते रहे। ये लोग अभी भीमा कोरेगांव की घटना के बाद जो रिसर्च हुआ उसमें कई नेताओं को मारने की अमेरिकन राइफल नेपाल से लाने तक की बात है। सर कहां जा रहे हैं अब आप भीमा कोरेगांव जाएंगे तो टर्मोलॉजी, आप सुनिए बात, आप बात सुनिए, अपने नंबर पे जवाब दीजिए। संजय राय जी आप अमेरिका की बात कर रहे हैं, मैं आपसे नंबर पे जवाब देना चाहिए। संजय राय मैंने आपको साल दर साल के आंकड़े दिए, 2014 में 3 मामले हुए, 15 में 12 हुए, 16 में 24 हुए, 17 में 37 हुए, कोई घटना नहीं होनी चाहिए, कोई घटना नहीं होनी चाहिए, आप क्या कह रहे हैं टर्मिनोलॉजी, कोई घटना कोई भी घटना ठीक नहीं है। लेकिन मैं एक चीज बता दूं कि अभी वही जो है मरने वाला ने अभी दूसरे धर्म का रहेगा तो नहीं ये बहस होती, ये जो बड़ी बात है, ये जो बड़ी बात है, बड़ी बात ये है, समस्या इस बात की है। आप ये बताइए कि देश में केरल और पश्चिम बंगाल में इसी पीरियड में 1000 से अधिक घटना घटी है, 1000 से अधिक घटना हुई है केरल में और पश्चिम बंगाल में, कोई उस पर बहस नहीं है। इस बात की पहुंच गए, थोड़ा रुकिए किदवाई जी, आप मुझे बताइए कि ऐसे मामले पर खामोशी जो रहती है उसकी वजह क्या है। मामला धर्म पर आकर टिकता है वो बात की बात है, लेकिन सवाल ये मेरा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी सख्त ये कहा लहे से मैं कि कानून बने इस पर, आपराधिक घटनाएं हैं ये जी, सब पे आपराधिक कार्रवाइयां हुई, सब पे आपराधिक कार्रवाई होंगी। लेकिन एक बात सुन लीजिए सर, सुप्रीम कोर्ट ने आपको बहुत बार फटकारा है, पहले एक तो फेक एनकाउंटर जो कराए तो उस पर फटकार मिली है, उस पर ये कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा उत्तर प्रदेश और राजस्थान की सरकारों से कहा है कि जब मॉब लिंचिंग होती है तो आप उस फौरन उसमें धर्म और जाति देखे बिना न्याय करिए और जो बेचारे इसमें फंसते हैं उनको कॉम्पनसेशन दीजिए फौरन। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस पर फौरन लॉ बनाइए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपना जो पल्ला झाड़ते हुए कहती है कि स्टेट गवर्नमेंट की बात है, स्टेट गवर्नमेंट बनाए, स्टेट गवर्नमेंट से सवाल पूछते हैं, स्टेट गवर्नमेंट कहती है हमारे पास लॉ पहले से मौजूद है, नया लॉ बनाने की कोई जरूरत नहीं है और अगर कुछ बनाना है तो सेंटर बनाए। ये लोग आपस में जो जुगलबंदी चल रही, जो खेल चल रहा है, ये इसको अंग्रेजी में कहते हैं पासिंग द बक, कि आप इनसे सवाल पूछे वो उठा के जिम्मेदारी किसी और को दे देंगे। फैजान किदवई, लॉ एंड ऑर्डर का जो मामला है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कानून व्यवस्था वहां पर कैसे लागू हो। जी 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 मैम, एक बात और बताऊंगा, अभी ये बोल रहे थे जो भाजपा के प्रवक्ता हैं कि ये तो पहले से होता आया है, बहुत सालों से चल रहा है। सर, एनसीआरबी की रिपोर्ट है कि जब से भाजपा आई है 2014 के बाद से 97% लिंचिंग केसेस बढ़ गए हैं और उसमें से 87% जो है वो माइनॉरिटीज और दलित समुदाय के खिलाफ बढ़ गए हैं। आप मानिए ना मानिए, ये रिपोर्ट है। दूसरी, एडीआर की रिपोर्ट है कि हेट क्राइम यानी जहरीले भाषण देना जो है 500% बढ़ गया है, जिसमें 90% भाजपा के लोग हैं और जिस तरह का जहर ये लोग उगलते हैं। अभी केरल में मैम फ्लड्स आए थे, आपने भी देखा था, यहां भाजपा और राइट विंगर्स के लोग जो है क्या बोलते हैं कि वहां बीफ खाते हैं इसलिए आ गया, शबरीमला में औरतों को जाने दिया इसलिए फ्लड आ गया। इस तरह की तो इनकी ज़हनियत है, इस तरह की मानसिकता और सोच रखने वालों से क्या उम्मीद करें कि वो जस्टिस करेंगे किसी के साथ। और भीमा कोरेगांव की आप बात कर रहे थे सर,
दो राइट विंगर्स हैं जिनका नाम लगा है, एफआईआर का नाम है, पुलिस ने उनको छोड़ दिया। आदरणीय आजम खान साहब देते हैं सबसे जहरीला भाषण, समाजवादी पार्टी के आजम खान साहब देते हैं सबसे जहरीला भाषण, सबसे जहरीला भाषण समाजवादी पार्टी के आदित्यनाथ कैसे भाषण देते हैं। इंतजार करिए किदवाई जी, प्लीज पहला राउंड है, सबकी बात आ जाए, डिबेट को ओपन करूंगी। मानिश जी आप मुझे बताइए, लगातार इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं सर, चार साल में हमने आंकड़े निकाले, 134 मामले हुए, 68 लोगों की 2015 से लेकर अब तक मौत हुई है मॉब लिंचिंग के मामले में। अगर हम 2017 तक के आंकड़े देख रहे हो, 18 में सर और कई घटनाएं सामने हुई। सवाल ये कि आखिर लोकतंत्र पर भीड़ तंत्र भारी क्यों पड़ रहा है, आखिर कहां चूक हो रही है, क्या पुलिस हमारा पुलिस प्रशासन इंप्लीमेंटेशन नहीं करा पा रहा है, सरकार की मंशा नहीं है, या फिर राजनीति के चलते, वोट बैंक के चलते इस पर खामोशी होती है, आखिर लोगों की जान जा रही है, इसकी वजह क्या है? शुरुआत उत्तर प्रदेश से ही कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री ने आदेश दिया था कि मॉब लिंचिंग की घटनाएं रोकी जानी चाहिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से फटकार मिली थी। ये दुर्भाग्य कि कल ही गृह विभाग की एक बैठक हुई और गृह विभाग की बैठक में एसपी को हर जिले के कप्तान को नोडल ऑफिसर नियुक्त किया गया कि वो मॉब लिंचिंग की घटनाओं को रोके और ये उसकी जिम्मेदारी, वरना सख्त कार्रवाई की जाएगी। इधर सरकार आदेश दे रही थी, उस दूसरी तरफ उसके कुछ ही घंटों बाद बरेली में मॉब लिंचिंग का शिकार एक युवक हो जाता है जो कि दुबई से आया था। ऐसा कहा जा रहा है कि उसको पैसे की भी कोई जरूरत नहीं थी कि वो किसी की भैंस चुराए। अब सवाल इस बात का है कि उत्तर प्रदेश हो या देश के दूसरे हिस्से, अगर हम खाली उत्तर प्रदेश की बात करें तो मान सकते हैं कि मॉब लिंचिंग की घटना उत्तर प्रदेश में बढ़ रही है, लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ उत्तर प्रदेश में हो रहा है, देश के तमाम दूसरे राज्यों में हो रहा है। तो ये कोई क्षेत्रीय विषय नहीं है, कोई प्रादेशिक विषय नहीं है, ये एक राष्ट्रीय विषय है और राष्ट्रीय स्तर पर इस पर चिंता व्यक्त की जानी चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने इसीलिए ये निवेदन किया कि जो सरकार है वो गाइडलाइंस जारी करे। हैरत इस बात की है कि जो सरकार तीन तलाक जैसे मुद्दे पर बगैर देर किए कानून ले आती है और उस पर अपनी पीठ थपथपाती है, वो ऐसे जघन्य अपराधों में जहां पर भीड़ द्वारा लोगों की पीट कर हत्या कर दी जाए और उसके बाद उन पर कोई कार्रवाई ना हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, बहुत सारे लोग इस बात को मानते हैं कि भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता है और इस वजह से वो कानूनी प्रक्रिया में भी अक्सर लोग बच जाते हैं कि ये तय नहीं हो पाता कि आखिर में कुछ समय तत्काल गिरफ्तारी हुई लेकिन बाद में कोर्ट से वो बरी हो जाते क्योंकि ये तय नहीं हो पाता कि आखिर भीड़ में किसने किया ऐसा। तो कहीं ना कहीं इसको रोके जाने की जरूरत है। इसमें तो देखिए कोई शक नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भले ही इससे इनकार करें लेकिन इसमें शक नहीं किया जाना चाहिए कि देश में भले ही माहौल वो कोई बना रहा हो, वो कह सकते हैं, ये आरोप लगा सकते हैं कि विपक्ष भी इस तरह के षड्यंत्र करता है, लेकिन सवाल इस बात का कि जब सरकार में आप तो जिम्मेदारी आपकी है, अगर कोई भी षड्यंत्रकारी षड्यंत्र भी कर रहा है तो आपको विफल करना ही पड़ेगा, उसके लिए आप उससे आप पीछे नहीं हट सकते। और आखिर क्या वजह कि कानून बनाने में देरी की जा रही है और मॉब लिंचिंग घटनाओं में सख्त कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है जिससे नजीर बन जाए, अगर किसी भी एक दो मामलों में बहुत सख्त सजाएं हो जाएं तो मुझे लगता है कि इस पे कुछ ना कुछ हद तक रोकथाम हो सकती है। लेकिन ये बात सही है कि जिस तरीके से पिछले कुछ समय में लोगों में हिंसा की प्रवृत्ति बढ़ी है, लोग हिंसक होते चले जा रहे हैं, ये समाज किस दिशा में जा रहा है ये देखना भी सियासी लोगों का काम है। एक चीज इसमें मैं और जोड़ना चाहूंगा कि इस देश में पिछले कुछ समय से जो सियासत करने वालों ने जो अपना रवैया अख्तियार कर रखा है उसमें सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही दोषी नहीं है, दूसरे सियासी दल भी दोषी हैं। वो कहीं ना कहीं समाज में एक आक्रोश की भावना पैदा कर रहे हैं और ये उसको मुझे लगता है कि उसका एक इम्पैक्ट है जो समाज पर नजर आ रहा है। बिल्कुल जावेद जी, क्या वाकई भीड़ को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है? बिल्कुल निश्चित रूप से लक्ष्मी जी, मानस जी ने भी बड़ा तर्कों के साथ जो है अपनी बात रखी है, मैं उससे सहमत हूँ बहुत हद तक। निश्चित रूप से ये जो भीड़ तंत्र, जो मॉब लिंचिंग है, ये वैचारिक, इसके पीछे वैचारिक आधार है। लोगों को हिंसक किस तरीके से बनाया जा रहा, सत्ता पाने के लिए आरएसएस ने, जो आरएसएस का चेहरा है भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस ने इस तरीके से अपने तमाम प्रकार, तमाम विभाग, तमाम संगठनों के माध्यम से जिस तरीके से चोरी के आरोप, वही मैं कह रहा हूँ, कहाँ से बीच में ला रहे हैं? देखिए ये जो कुछ भी पिछले भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता पाने के लिए जो सब कुछ किया था, उत्तर प्रदेश में जो किया था, देखिए लक्ष्मी जी, सर वोट बैंक की राजनीति के लिए भारतीय जनता पार्टी ने लोगों की लाश पर भी आप राजनीति कर रहे हैं। मैं लाश पर राजनीति नहीं कर रहा हूँ, मैं वो बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी ने, संजय राय पहला, भारतीय जनता पार्टी ने इस देश के नौजवानों को गुमराह किया धर्म के नाम पर, आस्था के नाम पर। कहाँ है गौरक्षक? आप किसी भी हाईवे पर निकल जाइए,
जानवर छुट्टा घूम रहा है, उसको चारा नहीं मिल रहा है। कह रहे हैं बीजेपी करा। मैं डेली रायबरेली से लखनऊ आता जाता हूँ। हाँ। 15 से 20 गायें प्रतिदिन उस हाईवे पर मरी पड़ी मिलती हैं। ट्रक बसें उनको कुचलती हुई चली जाती हैं। सरकार को नहीं शर्म आ रही है? आप एक तरफ कहते हैं कि गौर अच्छा बिल्कुल निश्चित रूप से कानून बनना चाहिए, बनाइए कानून। आज भारत देश विश्व का सबसे बड़ा बीफ एक्सपोर्टर है, ठीक है, उत्तर प्रदेश देश के अंदर नंबर एक पर हो गया डेढ़ साल के अंदर। अंशु अवस्थी, आप मुझे बताइए कि इस तरीके की घटनाओं के लिए जिम्मेदार कौन है? देखिए, निश्चित तौर से सीधे जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार के हाथ में कानून व्यवस्था है, प्रशासन है, नियम कानून बनाने की ताकत है, पावर है, जनता ने जनादेश दिया है। सीधे तौर पर ताकत और सब सारी जिम्मेदारी सरकार की है आज। लेकिन जब सरकार इससे बस्ती नजर आ रही, जब ये लोग विपक्ष में थे, तो ये गाय माता के नाम पर कानून बनाने की बात कर रहे थे कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर देना चाहिए। 49 महीने में भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने आवाज नहीं उठाई कि निश्चित तौर से राष्ट्रीय पशु को गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दीजिए। निश्चित तौर से जिम्मेदार वो लोग हैं जो मॉब लिंचिंग के आरोपियों को जब वो जेल से निकल कर आते हैं उनको माला पहनाते हैं। आरएसएस इसलिए जिम्मेदार है कि आप बराबर हिंदू मुस्लिम के बीच में जो फ्रैक्शन पैदा कर रहे हैं, कि बराबर हिंदू मुस्लिम के बीच में भावनाएं भड़काई जा रही हैं, और ये वही ये स्वीट पॉइजन है लक्ष्मी जी, इसको समझने की जरूरत है। ये धीरे धीरे दिया जाता है और इसके प्रैक्टिकल है ये सब। जब किसी को गाय के नाम पर मार दो, वो गाय लेकर जा रहा था उसको मार दो, तो भैंस चोरी हुई थी, किसी गाय भी नहीं थी। आप ये देखिए कि किस तरीके से, सिर्फ किस लिए, कि एक विशेष समुदाय का था, यहाँ पर गाय भी नहीं है। आप उसे आज बीजेपी के साथ ही आज ये नहीं कह सकते कि गाय काटी जा रही है। और गाय काटने की बात, बीफ एक्सपोर्ट में नंबर वन, बड़े बड़े स्लॉटर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के हैं। मैंने पहले ही कहा कि हर एशिया का सबसे बड़ा स्लॉटर लक्ष्मी जी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, आज उस पर जवाब बीजेपी के नेता नहीं देंगे। एक मिनट रुकिए, आपने कहा कि जाति विशेष से था, आपको याद होगा थोड़े दिन पहले 5 साधुओं की मॉब लिंचिंग के चलते हत्या कर दी गई थी, वो तब तो आपने आवाज नहीं उठाई, तब तो आपने नहीं कहा कि वो जाति विशेष से था। मैं तो फिर कह रहा हूँ, आप इस तरीके की राजनीति सर क्यों कर रहे हैं? अच्छा, मैं सीधी बात ये कह रही हूँ कि लोगों की जान जा रही है। जवाब दे दूं, जवाब की जरूरत है, कानून बनना चाहिए। मुझे 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 ऐसा लग रहा है, सुनिए, मुझे लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि आप लोग को शायद फैक्ट की जानकारी नहीं, क्योंकि हम लोग लग रहा है बहस कर रहे हैं, आप समझ नहीं पा रहे हैं। आप लोग देखिए, जिस बरेली की घटना की हम लोग बात कर रहे हैं, उसमें दोषी जो है वो कोई दूसरे समुदाय का व्यक्ति नहीं है। जो उनके परिवार ने कहा है कि उन्हीं की बिरादरी के लोग माजिद और पप्पू नाम के दो लोग थे जो उसको लेकर के गए थे, उन्होंने ही उन्होंने साजिश करके उसको मरवा दिया। उसमें ये इस तरह का मामला आ रहा है, तो इसको कतई मुझे लग रहा है कि इस डिबेट को कतई बिल्कुल आप धार्मिक आधार पर, हाँ, हिंदू मुस्लिम इसको ना करें। पहले तो आपकी बात का जवाब, मानस भाई मैं जवाब दे दूं। देखिए, सबसे पहली बात जो लक्ष्मी जी ने पूछा अभी हमसे कि जो हिंदू मुस्लिम वाली बात है, आरएसएस क्या करता है सुबह बैठ के, ये योगा नहीं कराते? अरे ये भारतीय जनता पार्टी के वो लोग हैं जो दिन में जय श्री राम करते हैं और रात में पाकिस्तान जिंदाबाद करते हैं। कश्मीर में ये वही लोग हैं। अरे भाई बताइए, कश्मीर पे ही बात कर लीजिए, कश्मीर पे इन्होंने क्या किया 4 साल में, है जवाब इनके पास? सर, कश्मीर में 370 चिल्लाते थे, कश्मीर में हमने जो चिल्लाते थे, मंदिर की बात करते थे, बात क्या किया? बात हो दी है, ये लोग रो रहे हैं, संजय जी, लोग रो रहे हैं, 10,000 रुपए जो किया ना, मुकदमे वापस नहीं, पत्थर बाजे पे बहस हो रही है। मैंने क्या कहा, आपने पूरी बात नहीं सुनी अंशु जी, आप भड़क गए। मैंने कहा कश्मीर में अगर भीड़ किसी पुलिस इंस्पेक्टर को पीट पीट कर मार डालती है तो क्या वो मॉब लिंचिंग का आपको उसी भीड़ के मुकदमे वापस लेने का काम कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के 10,000 लोग हवाई आतंकवादियों को मारा गया है, के मुकदमे क्यों लिए? आतंकवादी आपकी पार्टी के निकलने चला,
विरोध करूंगा अगर आपके साथ बहुत बड़ी दिक्कत है सर। दूसरों को सुना करिए ना, थोड़ा सा मौका सबको दीजिए। संजय राय, अंशु जी ने एक बड़ी बात कही कि एससी एसटी मामले में आप तुरंत एक्ट ले आते हैं, तीन तलाक पर भी आप ले आते हैं, लेकिन जब मॉब लिंचिंग पर सुप्रीम कोर्ट आपको आदेश देता है कि चार हफ्ते में लगाई कानून बनाइए, लेकिन सर चार हफ्ते से ज्यादा का वक्त हो जाता है, कानून नहीं बनता है। आखिर ढीला हीला हवाली के लिए जिम्मेदार कौन है और क्या वजह है इसकी, कानून क्यों नहीं बनाते? एक तो मैं बात कहना चाहूंगा बहुत ही शालीनता से कि किसी भी विषय में, हर बात में, कि मॉब लिंचिंग हुई, एक व्यक्ति बरेली में मुस्लिम समुदाय का मारा गया और कुछ लोग उसी समुदाय के, एक मिनट रुकिए, और आपके डिबेट में बैठ के तुरंत आरएसएस, तुरंत कश्मीर, तुरंत दूसरी बात संजय जी बात पूरी करिए जल्दी से। तो एक दूसरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सरकार सारे सोशल मीडिया के कंपनियों को बुलाई, व्हाट्सएप ग्रुप, व्हाट्सएप कंपनी के सब लोगों से कि कैसे जो है कम मैसेज दिया जाए, सारी चीजों पे कार्रवाई हो रही है। सरकार हर बात पे गंभीर है, कोई सरकार नहीं चाहती है। आप लोग बोल रहे थे हमने नहीं बोला, तो ठीक है अब कोई बोलेगा नहीं, मैं बोलूंगा लगातार, अब किसी को मैं भी नहीं बोलूंगा। खबर लेके आता उसको नहीं मारते, जो गलत खबर देता उसको सजा देते हैं। बिल्कुल आप समझ रहे हैं, सबको बोलने दीजिए, लेकिन हमारा जो बहस का मुद्दा है उस मुद्दे को समझ और चले जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नहीं कि सोशल मीडिया पे उसमें कंट्रोल होना चाहिए, उस पर सरकार ने काम किया कि नहीं किया? सरकार पूरी तरह सख्त, कोई सरकार नहीं चाहती है। आप कोई सरकार लेकर के आइए, कोई क्यों नहीं लेकर के आ रहे हैं? कोई सरकार नहीं चाहती है हमारे सोशल मीडिया पे उल्टी सीधी बातें मत करो, क्योंकि आप प्रधानमंत्री डायरेक्टली क्यों नहीं बोलते? जो है सबसे ज्यादा फेक न्यूज और संप्रदाय का फैलाता है आपका भाजपा आईटी सेल। आप जाके अपने आईटी सेल के लोगों से कहिए फेक न्यूज ना फैलाएं, संप्रदाय का ना फैलाएं, तो अपने आप चीजें ठीक हो जाएंगी। ठीक बात नहीं है, आपके लोग फैला रहे संप्रदाय का, को हिंदू मुस्लिम डिमोनेटाइजेशन की आरबीआई की रिपोर्ट आई है, 99.3% सारा डिमोनेटाइज हो गया, वापस आ गया डॉलर के मुकाबले 71 रुपया हो गया हमारा डॉलर के मुकाबले 71 पे गिर गया रुपया। और ये बातें छुपाने के लिए आप हिंदू मुस्लिम करा रहे हैं, आप लिंचिंग करा रहे हैं। नहीं देखिए, मॉब लिंचिंग ये नहीं करा रही आप, ऐसे जब लिंचिंग हुई थी अगर गांव कशी हो लिंचिंग होगी ग्रेविटी थोड़ा बनाइए, अगर सर इतनी ग्रेविटी बनाएंगे सर उन्हें उड़ जाएंगे आप। नहीं रुक जाइए संजय जी, प्लीज बात संजय जी बात आने दीजिए, संजय जी बात होने दीजिए। अगर मान लीजिए कोई नहीं, आप बोलने दीजिए, अपनी बात करिए, आप इसको देखिए मस्ती बजा के सबको इंतजार दीजिए ना। नहीं आप नहीं, नहीं 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 आप जाना संजय राय, लौटूंगी संजय राय आपके पास भी। प्लीज सवाल देखिए, इस बात का, इस बात पे बहस होनी चाहिए कि अगर मान लीजिए बंबई में कोई, मुंबई में, महाराष्ट्र में कुछ लोग अगर किसी को इस हत्या में, इस शक पे पीट रहे कि बच्चा चोरी कर के आरोप में उसको पीट रहे हैं, तो वहां पर कहां पर हिंदू और मुस्लिम आता है, वहां पर कहां पर क्या क्या ऐसा? अगर आप इजाजत दें तो मैं दूंगा। नहीं नहीं, आप बिल्कुल जवाब दीजिए, लेकिन आप मुझे लगता है कि इस डिबेट को कम्युनल आधार पर मत लीजिए। गाय और हिंदू मुस्लिम से आगे निकल के ये एक गंभीर विषय है, इसको गंभीरता से बात करिए आप। सर इन्होंने एक ऐसा दरवाजा खोल दिया है कि कुछ लोग आके लिंचिंग करके चले जाते हैं, माननीय प्रधानमंत्री उनके बारे में कुछ नहीं बोलते हैं, जो हर बात पे ट्वीट किया करते हैं, ना इनकी सरकार कुछ कर रही है, अब सबको लगने लगा है भैया भीड़ लेकर के आओ, मारो पीटो, चले जाते हैं किस दरवाजे से? बढ़ गई एनसीआरबी की रिपोर्ट का झूठ बोल रही है कि आपके आने के बाद क्या होता जा रहा है, बताओ ना कहां से बढ़ता जा रहा है एडीआर की रिपोर्ट के हिसाब से, और उसके बाद अभी आपसे, अभी जैसे बोला, अभी आप बोल रहे बीच में, फिर मैं आपको बोलने नहीं दूंगा।
जब एडीआर की रिपोर्ट करिए 500% हेट स्पीच बढ़ गया है, 90% आपके लोग है उसमें, और जब भी लिंचिंग होती है सर, अगर संप्रदायिकता वाली लिंचिंग हुई, आपके लोग जाके फूल माला पहनाते हैं, क्यों करते हैं आप? फैजान किदवई, मेरा सवाल इतना है कि बेतार्किक आरोप कोई किसी पर ना लगाए, भाषा का इस्तेमाल ऐसे करें कि कोई किसी पर पर्सनल टिप्पणी ना करे। सवाल ये कि अगर आप किसी पर आरोप लगा रहे हैं कि इनके लोग हैं, ये कहें कि आपके लोग हैं, तो क्या कोई साक्ष्य आपके पास है? मैम देखिए, सबसे बताइए ना, मैम साक्षी यहाँ पर जिस शख्स की हत्या हुई है, एक सर पूरी जानकारी तो लीजिए। मुझे लगता है कि आप मामले की जानकारी लिए बिना है, आप मामले की लिंचिंग के खिलाफ लॉ करके आओ। एनसीआरबी रिपोर्ट अगर कहती है मोदी सरकार, मैं नहीं करता हूं, मैं हिंदू मुसलमान की बात ही नहीं करता हूं, मैं कहता हूं लिंचिंग बढ़ गई है, हां उसमें सांप्रदायिक लिंचिंग भी हो रही है, और सांप्रदायिक भी और जाति भी है, बिल्कुल सर हर तरह की हो रही है, और इन लोगों ने जो शह दे रखी है, अब लोगों को लगता है भैया भीड़ लेकर के आओ, और ज्यादातर अपने पर्सनल मुद्दे जो है लोग भीड़ लेकर के आते, मारपीट के चले जाते, आप मुझे लॉ लेकर के आइए, सब घर में बैठेंगे। संजय जी को जवाब देने दीजिए प्लीज, संजय जी जवाब दीजिए, जो आरोप है इस पूरे पूरे उसमें डिबेट में लगातार इनके लोग, जैसे लग रहा है कि वो हमारे कार्यालय से लोग निकल के गांव में जाते हैं, बस जाते हैं और रात में उठते हैं और वो जो है मॉब बना करके और वहां मारपीट कर लेते हैं, ये इनका कहना है। दूसरा कहना है कि प्रधानमंत्री जी ने दरवाजा खोल दिया, भैया कहाँ का दरवाजा खोल दिया, कौन सा दरवाजा खोल दिया, कहाँ बंद थे, ठीक है? आप लोग थोड़ा बातचीत का, मुझे लग रहा है कि डिबेट में एक लेवल मेंटेन किया जाना चाहिए, कुछ का कुछ बोलना अच्छी बात नहीं है, कुछ का कुछ बोलना अच्छी बात नहीं है। शुरू ही हो गई बात, अरे आरएसएस के लोग ये कर रहे हैं वो, अरे भैया घटना बरेली हुई है, सरकार इनको अकेले बुलाए, सबसे बड़ी दिक्कत ये कि जो सवाल उसका जवाब आप सरकार जो है उस पे बिल्कुल गंभीरता पूर्वक काम कर रही है, कार्रवाई कर रही है, कार्रवाई कर रही है, सब सभी घटनाओं में कार्रवाई हुई है और कड़ी कार्रवाई हुई है, और सुप्रीम कोर्ट, आप पहले जानिए सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने क्या कहा है वो जानिए, सरकार उसमें सोशल मीडिया पे सुप्रीम कोर्ट का था कि भाई सोशल मीडिया पर, क्योंकि वो सारी लिंचिंग के आरोपियों को 15 दिन में बाहर किसने कराया सर? 302-307 के मुकदमे दर्ज थे, उन पर 15 दिन में वो बाहर आ गए, क्या हम क्यों ना कहें कि कड़ी कार्रवाई नहीं होती? यही वजह है कि लगातार ऐसे मामले बढ़ रहे हैं। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन लौटेंगे।